हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज की ज्योमेट्री बॉक्स काफी यूनिक और काफी डिफरेंट है गाइस। आज मैं लेके आया हूँ गाइस एवेंजर की गाइस कैलकुलेटर प्लस एलईडी मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस। इसे पन्नी से निकालूंगा और दिखाऊंगा दोस्तों इसमें कितना स्पेस है और कितना स्टडी मटेरियल आ जाएगा और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने कहां से परचेज करी है दोस्तों। चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करके तो थैंक यू सो मच मेरी फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट निकाल दो पन्नी से और दिखाता हूँ आपको ये गाइस एवेंजर की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। और आप देख सकते हो इसमें हल्की फोटो छपी है और कैप्टन अमेरिका की फोटो छपी है दोस्तों। बैक साइड की बात करें बैक साइड में बिल्कुल सेम फोटो छपी है और देख सकते हो ये कितनी चौड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है और देखो कितनी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है। और इसके ऊपर गाइस हमें कैलकुलेटर मिल जाता है। इसके अंदर गाइस हम सेल डालेंगे फिर एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। ये कैलकुलेटर काफी अमेजिंग है। और दोस्तों इसमें हमें मिलते हैं एक नहीं दो दो शार्पनर दोस्तों। यहाँ एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाते ही दोस्तों ढक्कन ओपन हो जाएगा और फिर हम पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। एक छोटा शार्पनर मिलता है हमारे कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए और बड़ा शार्पनर मिलता है दोस्तों हमें पेंसिल को शार्प करने के लिए दोस्तों। क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त कितनी अमेजिंग है। और दोस्तों इस ज्योमेट्री क्या खास है वो चलो दिखाता हूँ। ढक्कन को ओपन करता हूँ, ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है। और दोस्तों हमें इसके अंदर मिलता है एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एक एलईडी लाइट एक दोस्तों काफी अमेजिंग एक लैंप मिल जाता है दोस्तों। और इसे ओपन करेंगे ये बटन मिलता है और ऑन करते ही दोस्तों लाइट जल जाती है। और लाइट देखो दोस्तों कितनी ज्यादा तेज है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। यानी लाइट चली जाएगी जब भी हम स्टडी कर सकते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग है। और ये लाइट देखो कितनी फ्लेक्सिबल है, ये देखो चारों तरफ जहां घुमाएंगे उधर लाइट घूम जाएगी। काफी तेज रोशनी वाली लाइट है दोस्तों। और इस लाइट को बंद कर देंगे दोस्तों और दोस्तों हमें यहां एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक मिल जाता है दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। स्पेस देखो दोस्तों कितना ज्यादा स्पेस है, इतना ज्यादा स्पेस हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता। हमारे जंबो ज्योमेट्री बॉक्स में भी दोस्तों इतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है जब हमारी इस एलईडी लाइट की बैटरी खत्म हो जाएगी ना और फिर हम इसके सेल भी चेंज कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को हटाएंगे फिर सेल चेंज भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, हमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी दोस्तों। तो काफी अच्छी एलईडी लाइट मिल जाती है दोस्तों। इसे बंद कर देते हैं और हमें क्या मिलता है ज्योमेट्री बॉक्स में, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं। बैक साइड ढक्कन ओपन करते देखते हैं क्या मिलता है। तो बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। कंपार्टमेंट काफी बड़ा और स्पेस तो काफी गजब है यार इस ज्योमेट्री बॉक्स में तो बिल्कुल। इस ज्योमेट्री बॉक्स में तो खाली स्पेस ही स्पेस है, देख सकते हो इसमें भी हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और इस ज्योमेट्री बॉक्स के कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें टेबल लिखी हुई मिल जाती है दोस्तों, काफी अमेजिंग। और चारों तरफ से दिखाता हूँ, इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने अपने इधर की एक शॉप से परचेज किया है दोस्तों केवल 150 रुपीज की दोस्तों। ये ज्योमेट्री बॉक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों इस ज्योमेट्री में सबसे अच्छी चीज क्या लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताना। कैलकुलेटर ज्यादा अच्छा लगा या स्पेस ज्यादा अच्छा लगा या आपको एलईडी लाइट अच्छी लगी दोस्तों। और वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ अच्छे से ज्योमेट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।